नमस्कार दोस्तों, हिरण्य अनबॉक्सिंग के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है एक किचन से जुड़ा एक प्रोडक्ट है जो कि हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और इसका जो प्राइस है ना वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और कलर जो है इसका काफ़ी प्यारा कलर है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। सिंपल सा प्रोडक्ट है, सिंपल सा जो है पैकेजिंग है। प्राइस के हिसाब से कैसा है आप लोग बताना। और फिलहाल डब्बा खाली, और ये है वो प्रोडक्ट जो बाहर से कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ये निर्लॉन कंपनी का है, और कैसरोल विथ एलईडी है, मतलब सॉरी लीड है, उसके ऊपर ढक्कन है। और आपका जो इसका जो एमआरपी है ना वो है, कलर देखो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, एमआरपी का टैग तो हटा दिया इन लोगों ने, देखो यहाँ पे एमआरपी का टैग होता है ना वो नहीं होता। मैं इसको अंदर से आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये। वाओ, तो आप देख सकते हो ये खाली है, और ये है वो प्रोडक्ट। कलर देखो, कलर देखो काफ़ी बढ़िया कलर है ना, काफ़ी बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर काफ़ी सुंदर है, ऑरेंज कलर टाइप का है ये कलर, और अच्छा है। तो यही है वो प्रोडक्ट। अब मैं इसको ना पूरा खोल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें लग नहीं रहा ना जो लीड है ना, जो ऊपर ढक्कन, ये ऊपर ही लगा हुआ है ढक्कन, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना कि ढक्कन नहीं दिया है। तो देखो मैं आपके सामने ही इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया है, जो प्राइस है ना उस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया। बिल्ड क्वालिटी जो है ना बहुत तगड़ा है। और इसके अंदर में ये था, ये पता नहीं क्यों दिया है, आई डोंट नो। ये वारंटी कार्ड है इसका। चलो ये देखो आप, मटेरियल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, और जो बहुत बार मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं है। अगर इंडक्शन में आप लोग यूज़ करोगे ना तो ये काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। और तो आवाज़ से पता चल रहा है इसका क्वालिटी, इसीलिए मतलब ये मीडियम है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा, लेकिन वेट तो था एक्चुअली। ढक्कन जो है ना ये ग्लास का होता है ना, तो इसलिए वेट था इसका, लेकिन इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है, इतना हल्का भी नहीं है, पर ठीक है। मतलब इंडक्शन में अगर यूज़ करोगे देखो कैसा वाइट है ना, तो अगर इंडक्शन में अगर यूज़ करते हो ना तो इंडक्शन बेस है, देखो अगर इंडक्शन में यूज़ करते हो तो ये बहुत दिन तक यूज मतलब काम करेगा, लेकिन आप अगर इसको चूल्हा में डाल दोगे ना, अगर जैसे जो गैस में डायरेक्ट डालोगे ना तो शायद ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, तो देख लेना। लेकिन अगर इंडक्शन में केवल यूज़ करते हो तो बहुत दिन तक चलेगा, और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, अच्छा लगा। आई होप आपको आज का ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हो या फिर आप किसी को ये सजेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए। इसी तरह का वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डे टू डे लाइफ से जुड़ी हर चीज़ों का मैं रिव्यू करता हूँ, और प्रोडक्ट लेता हूँ उसका रिव्यू करता हूँ हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।